चिश्ती भड़काएंगे सिर कलम करवाएंगे। चिश्ती नंबर वन, सलमान चिश्ती, नुपुर के सर के बदले में घर। चिश्ती नंबर दो, गौहर चिश्ती, सर तन से जुदा। चिश्ती नंबर तीन, सरवर चिश्ती, हिंदुस्तान हिला देंगे। चिश्ती नंबर चार, आदिल चिश्ती, 333 करोड़ देवी देवताओं का होलसेल। नफरत के और कितने चिश्ती। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनमौजी। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। गौहर चिश्ती, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही जनाब हैं जिनकी 17 जून की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल नजर आ रही है। और वीडियो में ये कहते हुए दिख रहे हैं, सर तन से जुदा। जी हाँ, यानी कि ये एक विशेष धर्म के लोगों के हाथ में हथियार थमाने का काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आओ और अल्लाह के नाम पे सजा दो और गला रेत कर हत्या की जाए, जिसका सीधा कनेक्शन कन्हैया लाल के मर्डर से जोड़ा जा रहा था। आपको बता दें कि इन्हें हैदराबाद से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन्होंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनको दबोच लिया है। तो क्या सिर्फ एक गौहर चिश्ती ही है इस मामले में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कई और भी चिश्ती हैं जो इसमें इन्वॉल्वड हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपको यही बताएंगे हम कि कितने और चिश्ती शामिल हैं कन्हैया लाल जैसे हत्याकांड में। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जी हां, 17 जून को धमकी देने के बाद से आरोपी हैदराबाद में हुलिया बदलकर छुपा हुआ था। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद में दबिश देकर गौहर चिश्ती के साथ कुछ शरण देने वाले को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस की ओर से शुक्रवार को इस पूरे मामले की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान पुलिस ने मुखबिर से सूचना के बाद अपनी एक टीम हैदराबाद भेजी थी। वहां हैदराबाद पुलिस की मदद से गौहर को उसके ठिकाने से धर दबोच लिया गया। पुलिस की धरपकड़ के दौरान गौहर ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। आपको बता दें कि 17 जून को अजमेर में हो रहे नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। प्रशासन ने शांति जुलूस निकालने के नाम पर अनुमति दे दी थी, लेकिन जुलूस में अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने नुपुर शर्मा को गालियां दी, नारेबाजी की और वीडियो में कहा कि अगर धर्म पर आंच आती है तो भुगतना होगा। 5 बार नारे लगे कि गुस्ताख है नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। 2 मिनट की इस वीडियो में 5 बार ये शब्द सुने गए हैं। सरतन से जुदा करने की बात कही गई है, यानी कि एक धर्म को भड़काने का काम जो है वो गौहर चिश्ती ने 17 जून को किया, जिसका कि असर हमने देखा उदयपुर में किस तरह से एक टेलर की, जो कि निर्दोष था, उसकी दिन दहाड़े आकर हत्या कर दी 2 लोगों ने। यानी कि जिसका जिक्र किया था चिश्ती ने, सरतन से जुदा करने की जो बात कही थी, वो मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने आके पूरा कर दिया। इसके अलावा नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई थी। इसके अलावा और भी भड़काने वाले बयान भी दिए गए थे। इस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था, बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आपको अब ये वीडियो दिखाते हैं कि गौहर चिश्ती की 17 जून की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज, जब उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या कर दी, उसके बाद वो पनाह लेने के लिए गौहर चिश्ती के ही पास जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस के हाथों आ गए वो और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यानी कि सीधा कनेक्शन जो है, ये जितने भी चिश्ती मैंने आपको बताए, इनका कन्हैया लाल मर्डर से है। तो नफरत के और कितने ऐसे चिश्ती छुपे हुए हैं देश में, ये हमारे लिए सोचने का विषय है और इस पे हमें सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए द मनमौजी। धन्यवाद।